राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। महात्म्य सुनने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता के महात्म्य को सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतरकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद तथा द्वैत रहित हैं। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हुआ सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुष के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसम्मत हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक भाव, अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है, गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका उद्धार कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी सुनो, मैं गीता में उसकी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वाड्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष
गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक या आधे से भी चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सूर शर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देव, ये सूर शर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, हे प्रिय, सूर शर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्व कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन काल का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन वह मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अनेक नरकों में जाके वहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल बन गया। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन काल को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदायों में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य दान कर दिया। उसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों का फल याद करके उस बैल को दान में दे दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी करके उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। उसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को अपनी यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार करके यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उससे पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य किया था। वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता रहता था, उससे मेरा अंतरकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना शुरू किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय के बाद मेरी मृत्यु हुई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद वापस मैं इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से भी वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और एक महात्मा के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में मुझे छोड़ दिया। वहाँ मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच
एक चोरी करने वाले बहेलिए ने मुझे वहां से चुरा लिया। उसके बाद इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा पूरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों को बताया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अध्ययन किया था जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतरकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुआ है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो आज मैंने आपको श्रीमद् भगवद् गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।